ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सेक्शन 4। यूपी के गणेशपुर गांव से देहरादून के आसारोड़ी तक इस प्रोजेक्ट का ये बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। इस सेक्शन के दो पहलू हैं। पहला पहलू, एक्सप्रेसवे बनने से लैंडस्लाइड से सड़क बंद होने की टेंशन नहीं रहेगी, खतरनाक मोड़ खत्म होंगे जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम रहेगा, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और यात्रा का समय भी घटेगा। दूसरा पहलू ये है कि इस सेक्शन का ज्यादातर हिस्सा वन भूमि से होकर गुजर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में नेचर से बहुत छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ समय बचाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। सीधे शब्दों में कहें तो विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा यहाँ भी खड़ा हो जाता है और इस बहस का एक ही निष्कर्ष निकलता है, डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। और अगर ये कहा जाए कि मुश्किल भरे सफर को आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट में यही तरीका अपनाया गया है तो सवाल उठेगा कि आखिर कैसे, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस रोड की अहमियत क्या है। यह सड़क देहरादून को देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही वेस्ट यूपी के बड़े हिस्से से जोड़ती है। मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य का सहारनपुर शहर सबसे अहम है। उत्तराखंड के ही रुड़की शहर से देहरादून के बीच इसी सड़क से आवाजाही होती है। देहरादून से पंजाब और हरियाणा के काफी बड़े हिस्से को यही सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यही वजह है कि इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। अब आप इस वीडियो को देखिए, लैंडस्लाइड से सड़क पर आए मलबे को जेसीबी मशीनों से हटाया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। यह वीडियो मौजूदा दिल्ली देहरादून रोड पर डाटकाली मंदिर से मोहन के बीच जंगल के इलाके का है। यहाँ बरसात के सीजन में पहाड़ी से मलबा आने के कारण अक्सर यह समस्या रहती है। घंटों लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। कई बार तो ट्रैफिक को हरिद्वार होकर डाइवर्ट करना पड़ता है, लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ता है। समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है, वीकेंड पर अक्सर यहाँ जाम लगता है, ये खबरें इसकी तस्दीक करती हैं। जाम के कारण पर्यटकों को खासी मुश्किल झेलनी पड़ती है। देहरादून से सहारनपुर और रुड़की के बीच रोजाना नौकरी पेशा लोग और कॉलेज के स्टूडेंट भी सफर करते हैं, जाम से उनका भी सामना होता है। दुर्घटनाओं के लिहाज से भी और काफी संवेदनशील इलाका है। घुमावदार कम चौड़ी सड़क पर अक्सर हादसे होते हैं, खतरनाक मोड़ और संकरे पुल भी हादसों का कारण बनते हैं। जंगल में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण रात में मुसीबत कई गुना बढ़ जाती है। अगर कभी कोई इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए तो क्या ख्याल आएगा, यही ना कि काश यहाँ चौड़ी सड़क हो, फ्लाईओवर बना होता वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसा ही जवाब हमें ChatGPT से भी मिला। इसलिए इस पूरे इलाके में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का महत्व काफी बढ़ जाता है। चलिए इसे भी समझते हैं। दिल्ली से देहरादून तक इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। चार सेक्शन में बांटकर इस एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। चौथा एवं आखिरी सेक्शन है यूपी के गणेशपुर गांव से देहरादून के आसारोड़ी चेक पोस्ट तक, जिसकी वास्तविक लंबाई है 19.785 किलोमीटर, राउंड फिगर में 20 किलोमीटर कह लीजिए। इस चौथे सेक्शन के काम को तीन पैकेज में बांटा गया है। पैकेज वन है गणेशपुर से मोहन कस्बे के समीप तक, इसकी लंबाई है 8.3 किलोमीटर यानी लगभग 8.5 किलोमीटर। पैकेज टू है मोहन कस्बे के समीप से डाटकाली मंदिर न्यू टनल तक, इसकी लंबाई है 8.08 किलोमीटर यानी लगभग 8 किलोमीटर। पैकेज थ्री है डाटकाली टनल से आसारोड़ी चेकपोस्ट देहरादून तक, इसकी लंबाई है 3.405 किलोमीटर यानी लगभग 3.5 किलोमीटर। रिसेंट वीडियो में हमने आसारोड़ी से डाटकाली टनल तक पैकेज थ्री वाले हिस्से के बारे में जाना था, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। आज हमारे इस वीडियो का फोकस पॉइंट पैकेज टू वाला पार्ट है, क्योंकि लैंडस्लाइड और जाम से यही हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ टनल को पार करते ही यूपी की सीमा शुरू हो जाती है। सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो यहाँ से घुमावदार सड़क नजर आएगी, घना जंगल दिखेगा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मोहन कस्बे के समीप तक ऐसे ही सड़क है। इसमें क्या क्या समस्याएं हैं यह हम पहले ही जान चुके हैं। डाटकाली टनल से मोहन कस्बे के समीप तक सड़क की मौजूदा दूरी 9 किलोमीटर है। अब आप नए बन रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट देखेंगे तो यह पूरी तरह चेंज है। यहाँ टनल से आगे सीधे सड़क गुजर रही है। इस जगह का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ काफी पेड़ काटे गए होंगे और पहाड़ी को भी काटा जा रहा है। लेकिन टनल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह से एलिवेटेड रोड शुरू हो जाएगी जो नदी के ऊपर से गुजरेगी। यहाँ आप एलिवेटेड रोड का काम होते हुए देख सकते हैं। एलिवेटेड रोड के विकल्प ने यहाँ जंगल को होने वाले नुकसान को कम किया है। अगर नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने के बजाय पुरानी सड़क को ही चौड़ा किया जाता तो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर के इस हिस्से में हजारों और पेड़ काटे जाते, नाजुक शिवालिक पहाड़ियों को भी काटना पड़ता और ऐसा होता तो लैंडस्लाइड जोन ज्यादा बनती। हाँ, नए अलाइनमेंट के लिए कुछ एक जगहों पर थोड़ा बहुत सड़क काटी जा रही है, लेकिन उस तुलना में यह बेहद कम है। नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बन तो रही है, लेकिन बाढ़ या नदी के पानी से खतरा तो नहीं रहेगा? यह सवाल खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी पूछा था, तो इस पर जवाब सुन लीजिए। कोई दिक्कत सर, ये सड़क बारिश के अंदर थोड़ा पानी आता है, बाकी
एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर बनने से मोहंट के जंगलों में खतरनाक मोड़ बाईपास हो जाएंगे। हादसों का खतरा कम होने के साथ ही पहले के मुकाबले दोगुनी स्पीड से ट्रैफिक चलेगा। नए एक्सप्रेसवे पर सरपट वाहन दौड़ेंगे, यात्रा सुखद होगी और समय भी बचेगा। ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, ब्रेकडाउन कम होंगे। जैसा पिछले वीडियो में बताया गया है कि यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। जंगल के इलाके में एलिवेटेड रोड और अंडरपास बनने से वन्य जीव बेरोकटोक आवाजाही कर पाएंगे, इससे दूरी भी घटेगी। इस पैकेज वाले हिस्से की ही बात करें तो 1 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, महज 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, जबकि इस हिस्से में सामान्य ट्रैफिक हो तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। पैकेज 2 की अपडेट की बात करें तो बरसात से पहले एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा था। यह विजुअल जून में लिए गए थे। नदी के ऊपर बिना किसी बाधा के एलिवेटेड रोड आकार ले रही है, लेकिन ताज़ा तस्वीरें देखेंगे तो नदी में पानी रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। अगली वीडियो में हम सेक्शन 4 के पैकेज 1 के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे बरसात में एक्सप्रेसवे के काम का हाल। इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।